में डाल के इसको लगा लो और पाओ चेहरे के ऊपर एक गजब का ग्लो। चेहरे के सारे काले दाग धब्बे गायब हो जाएंगे। इस दिवाली में आपका चेहरा भी लाइटें मारेगा, रिंकल और फाइन लाइन्स दूर होंगे, बुढ़ापा नहीं दिखेगा और चेहरे के ऊपर आएगा एक गजब का ग्लो। इसके साथ ही इस गुलाबी क्रीम को रोज रात को लगा के सो जाना, चेहरे पर आएगी सुबह इतनी बढ़िया चमक कि सब पूछेंगे क्या लगाया। आज की ये जो रेमेडी मैं लेके आई हूँ, ये मैं लेके आई हूँ मेरी इस फैमिली के लिए जो कि नियरली 1.5 लाख पहुंचने वाली है, और अपने इन स्पेशल व्यूवर्स के लिए भी जो कि 4 लाख से ऊपर हैं, जो आते हैं देखते हैं लेकिन शायद इनको ये नहीं पता है कि आपके देखने भर से काम नहीं चलेगा। आपको वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा वॉच मुझे मिलता है लेकिन कहीं ना कहीं आप बेल आइकॉन दबाना भूल गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। तो इस फैमिली का हिस्सा होने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप फ्यूचर वीडियोस देख सके। रेखा सिंह मेरी चैनल का नाम है, रेखा सिंह लाइफ, और यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ में इतने सारे वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, इतनी सारी रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ जिसको करके हमारी फैमिली बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा खुश है और भर भर के अपना प्यार मुझे दे रही है। किचन में से निकले हुए सामान को ब्यूटीज में किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, DIYs में किस तरह यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। तो अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन के साथ में करेंगे तो मतलब आपके नोटिफिकेशन बेल में मेरा वीडियो पहुंच जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा वापस से, क्योंकि हमें एनालिटिक में पूरी रिपोर्ट मिलती है कौन आया है, किस तरीके से आया है, ब्राउज करके आया, क्योंकि आप लोग ब्राउज का तब करते हैं जब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है, तो आपको ढूंढ के आना पड़ता है कि यार वो एक लेडी थी जो घर की रेमेडीज बताती थी। तो भैया उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कहते हैं आज की रेमेडी की तरफ। सर्दियों में बहुत लोगों का मन नहीं करता है पार्लर जाने का, क्योंकि इतनी ठंडी में रजाई में से निकलने का दिल नहीं करता है, पार्लर जाने के लिए कौन टाइम निकालेगा। तो मैं लेके आ गई बहुत ही सुपर सा मिल्क फेशियल, किस तरह से आप कच्चे दूध के साथ में अपनी स्किन को बहुत बढ़िया से निखार सकते हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन के ऊपर जमी पुरानी से पुरानी वो जो स्किन है ना, डेड स्किन, उसको किस तरह से हटा सकते हैं, और उसके साथ में हम बनाएंगे एक ऐसी क्रीम जो आपकी स्किन को मुलायम करेगी, सॉफ्ट बनाएगी, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देगी, और लास्ट में मैं शेयर करूंगी आपके साथ में एक ऐसी नाइट क्रीम जो आपकी स्किन के ऊपर बनने वाले किसी भी प्रकार के रिंकल्स और फाइन लाइंस को तो खत्म करेगी, आंखों के घेरों के ऊपर भी बहुत बढ़िया से काम करेगी, स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। किस प्रकार से करना है, जिस तरीके से बता रही हूँ सेम तरीके से अगर आप कर लेंगे तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने लेना है दूध। ये कच्चा दूध है। इस कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है। देखिए दूध में मिनरल्स विटामिन्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप ऐसे भी सिंपली कुछ मत करिए, सिंपली भी दूध अगर अपनी स्किन पे लगाते हैं या आपकी स्किन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपको क्या करना है, मैंने जिस तरह से लिया है 2 चम्मच दूध है, इसमें मैंने लिया है 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करने वाला है हमारी स्किन को, एलोवेरा जेल आपकी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एलोवेरा में फुल ऑफ वाटर होता है, पानी होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई है जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइनेस लगती है, देखिए ड्राई स्किन होगा, रिंकल फाइन लाइन जरूर बनेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी स्किन को हमेशा न्यूट्रिशन देना है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करना है, क्रीम मॉइस्चराइजर हमेशा लगा के रखना है। सर्दियों में स्पेशली आपको इस चीज का ध्यान देना है कि स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले स्टेप में क्या करना है, हमने अपने फेस को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए मैंने लिया है दूध, कच्चा दूध, इसमें 1/2 चम्मच हमने एलोवेरा मिलाया, अच्छे से मिक्स करके आपको इससे मसाज करनी है। इसको आपने लगाना है 2 से 3 बार, इसकी जो लेयर है आपको 2 से 3 बार लगानी है। अगर आप बहुत टाइम बाद कोई DIY कर रहे हैं या आप अपनी स्किन के ऊपर कोई डेली रूटीन फॉलो ही नहीं करते हैं, कोई स्किन केयर ही नहीं अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी होगी। हो सकता है आपको ऊपर से ना दिखती हो लेकिन आपकी स्किन अंदर से कहीं ना कहीं आपके जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस आती है, ठीक है जी। जिन जिन लोगों की स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राइनेस है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी स्किन के ऊपर अगर ड्राइनेस है तो हम ऐसा क्या और इसमें यूज कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दूध लिया, 2 से 3 बार मैंने इसको एप्लीकेट किया है, और उसके बाद में आपको इसको एज इट इज छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, इसको हटाना नहीं है, धोना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ही अब हम हमारा स्क्रबर मतलब की एक्सफोलिएशन यूज करने वाले हैं। उसके लिए हमने क्या लिया है, हमने लिया है ओट्स। ओट्स में पाया जाता है भारी मात्रा में फाइबर, और ओट्स क्या करता है, ओट्स आपकी स्किन के ऊपर जाके चिपक जाता है। चिपकने से क्या करता है, चिपकेगा मतलब ऐसा नहीं कि चिपक जाएगा, नहीं जी,
चिपक जाएगा, मतलब आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी गंदगी होगी, डेपोजिशन इकट्ठा हो चुका होगा उसके ऊपर वो जाके चिपक जाएगा। और जब हम इसको रगड़ेंगे तो वो सारा का सारा जितना भी डर्ट, पॉल्यूशन और डेड स्किन होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। ये जो सेकेंड स्टेप होता है ना दोस्तों, बहुत लोग यहीं पर ही वीडियोस को छोड़ देते हैं, सोचते हैं बस यहीं तक हमें करना है, यही हमारी स्किन के लिए बहुत हो गया। नहीं जी, आगे के दो स्टेप बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको जरूर करना है, ठीक है जी। तो हमने एक्सफोलिएशन बनाने के लिए क्या किया, हमने लिया है ओट्स। आप 2 से 3 चम्मच ले लीजिए, घर के जो ओट्स होते हैं ना जो खाते हैं हम लोग, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ऑप्शन दे देती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास ओट्स नहीं है या हम कौन सा ओट्स ले, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपके घर पे चक्की का पिसा हुआ आटा आता है ना, तो आप उस चक्की के पिसे हुए आटे को ले लीजिए, लेकिन बिना छेने लेना है, आपको चोकर ही लेना है। ट्राई कीजिएगा, छान के आटा रोटी बना लो और उसका जो चोकर है ना वो रख लो, चोकर को लगाना है आपने। चोकर से क्या होगा, वो थोड़ा सा दरदरा होता है, आपकी स्किन के जितनी भी गंदगी, मैल, जितनी भी ड्राइनेस होती है, हार्डनेस होती है स्किन के ऊपर, वो जो पपड़ियां जम जम के निकलती है ना, सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सर्दी जहां पर पड़ती है उनकी स्किन के ऊपर पपड़ियां जम जाती है, इवन काले काले से घेरे बन जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्सफोलिएशन का काम अपनी स्किन के ऊपर प्रॉपरली वे में करना है, ऐसा नहीं है कि खाली रगड़ रगड़ के कुछ भी लगा लिया, नहीं जी, प्रॉपर वे में करना है। तो हमने लिया है ओट्स, क्योंकि ओट्स आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपकी स्किन के ऊपर जमी हुई मैल, गंदगी और डेड स्किन को हटा रहा है। तो मैंने लिया है 1 चम्मच ओट्स, पहले तो हमने इसको ग्राइंड कर लिया, 1 चम्मच ओट्स हमने ले लिया इसमें, और इसको हमने बनाना है कच्चे दूध के साथ में, ठीक है जी। इनकेस अगर आपका पहले वाला दूध बच गया जो कि हम लोग फेस के ऊपर लगा रहे थे, वही वाला दूध आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूध इसमें डालने के बाद में आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने तुरंत इसको लगाना शुरू करना है, नहीं तो वो फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद में जितना एक्सफोलिएशन हमें अपनी स्किन के ऊपर चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने तुरंत इससे लगा के मसाज करना शुरू करना है, 2 से 3 मिनट की बढ़िया वाली मसाज करनी है। लेकिन आपको जब इसने आपने इसको लगाया उसके बाद में आपको इसको 2 मिनट के लिए छोड़ के ना सेट डाउन हो जाइए, मतलब बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, उसको सेट होने दीजिए, चिपकने दीजिए। जब आपकी स्किन के उस सेल्स के ऊपर चिपक जाएगा उसके बाद में जब हम इसको राउंड राउंड सर्कल करके घुमाएंगे तो हमारी स्किन के वो जो डेड सेल्स हैं उसको लेके पूरा बाहर आएगा। तो बढ़िया वाला रिजल्ट आपको इसी में मिल जाएगा, मतलब आप सोचेंगे, एक्चुअली मैं डेड श्योर हूं कि यहां पर कितने लोग सोचेंगे कि भैया हमारी स्किन इतनी ज्यादा स्मूथ हो गई, मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि हमारी स्किन इतनी ज्यादा रफ थी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलता था। लेकिन कभी भी आप रेमेडी शुरू करने से पहले अपनी फेस को टच किया कीजिए और रेमेडी होने के बाद में टच किया कीजिए, रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा एक्सफोलिएशन, हमारी स्किन एकदम स्मूथ हो गई, क्लीन हो गई, सारी जितनी भी गंदगी थी, मैल था, सब कुछ निकल गया। अब क्या करना है, अब ये जो पोर्स हमने ओपन किए ना गंदगी वाले, अब हमें इसके ऊपर बढ़िया सा एक ग्लो लाने के लिए एक पैक तैयार करना है। तो पैक तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना की प्रॉपर्टीज होती है आपकी स्किन के फाइन लाइंस और रिंकल्स के ऊपर काम करने की। गूगल करके देखिएगा, एक बार सर्च कर लीजिए, एक बार स्टडी कर लीजिए, मेथी दाना हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बेनिफिशियल है, बहुत बढ़िया काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने मेरी बेटी के बालों के ऊपर मेथी दाना का वो जो सिरम है वो लगाया है। अगर आपको इसको चेकआउट करना है तो आप उसके चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, वहां पर मैंने बताया है मेथी दाना आपके बालों के लिए कितना गुणकारी होता है, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा होता है। यहाँ हमने मेथी दाना को लिया, उसको ग्राइंड किया, उसको हमने छाना है, बारीक एकदम मैंने छान लिया है। तो जो नीचे थोड़ा सा जो बचा है ना, मुश्किल से 1 चम्मच भी नहीं था, यही मैंने लिया है, बाकी का हमने रख दिया। वो आपको स्क्रबिंग में काम आ सकता है, आप उसको एज ए स्क्रब अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। उसको लगाने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी, वो आप रखिएगा संभाल के, फेंकिएगा नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत गुणकारी है, ठीक है। हमने क्या किया, 1 चम्मच हमने मेथी दाना ले लिया है, ठीक है। मेथी दाना हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स के ऊपर काम करेगा, बुढ़ापे के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, तो मेथी दाना रेगुलर अपनी स्किन पे लगाना चाहिए। दूसरी चीज हमने इसमें क्या किया है, हमने यहाँ पर यूज किया है 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर क्या करेगा, ऑरेंज पील पाउडर आपकी स्किन के किसी भी प्रकार के कालेपन, काले दाग धब्बों, काली स्किन या फिर किसी भी प्रकार के डार्क स्पॉट्स अगर हो गए हैं, किसी चोट के निशान अगर आपकी स्किन के ऊपर है, तो विटामिन सी ऑरेंज पील में पाया जाता है, तो ये आपके काले दाग धब्बों के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने डाला है 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। अब लास्ट में मैंने इसमें यूज किया है बेसन। देखिए, बेसन या फिर ऑरेंज पील, आप इनमें से कोई भी, दोनों में से एक चीज आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे कालेपन के ऊपर काम करते हैं, डार्क स्पॉट्स को हटाते हैं, सांवलेपन के ऊपर काम करते हैं, स्किन की टैनिंग के ऊपर काम करते हैं, पिगमेंट के ऊपर धीरे धीरे ही आपके ना काम करके आपकी पिगमेंट को भी कम करने का बहुत अच्छा उपाय कर देते हैं, ठीक है।
तो मैंने इसमें क्या डाला है, एक चम्मच हमने बेसन डाल दिया, एक चम्मच हमने ऑरेंज पील डाला, एक चम्मच हमारा मेथी दाना का पाउडर है। इसको बनाना किसके साथ में है, आपने इसको बनाना है दही के साथ में। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बोलूं, अगर आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, ठीक है, एक्टिव एक्ने हैं, एक्टिव पिंपल हैं, अभी मतलब जिंदा है, तो आपको इसमें हल्दी भी यूज करनी है। किचन की हल्दी है तो किचन की डाल सकते हैं, लेकिन वो कम डालनी है, पीला कलर दे देगा, ठीक है। नहीं है कस्तूरी हल्दी है तो बहुत ही अच्छा है फिर तो, नहीं है अगर कस्तूरी हल्दी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन आपको बहुत सारी चीजों के प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, दी हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, लिंक सारे दिए हैं, परचेज कर सकते हैं, बहुत सिंपली बहुत कम पैसे में मिलते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या किया इसमें, चुटकी भर मैंने इसमें हल्दी भी ऐड की है, क्योंकि ये पैक मैं अपनी बेटी को भी देने वाली हूँ, उसकी स्किन के ऊपर अभी पिंपल आ रहे हैं, क्योंकि ग्रोन अप एज में पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं, ये है वो है, तो पिंपल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसमें हल्दी भी यूज की है, क्योंकि ये सेम चीज मेरी बेटी भी लगाएगी। तो हमने इसको बनाना है दही के साथ में, सिर्फ दही यूज करना है। इनकेस अगर आपकी स्किन ऑयली है बहुत ज्यादा, तो आप इसमें कच्चा दूध ही यूज करेंगे, दही को स्किप कर देंगे, ठीक है। मैंने दही इसलिए डाला क्योंकि दो चीजें ऑलरेडी हमने वो अपनी स्किन के ऊपर बढ़िया से एक्सफोलिएशन में ले ली हैं। अब मैंने इसमें दही डाला क्योंकि दही मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, कोई तामझाम नहीं है, कोई सामान बाहर से नहीं लाना है, कोई फस्सी चीज नहीं है, अपनी स्किन के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है जी। इसको आपको बना के आपने लगाना है अपने फेस के ऊपर। लगाने के बाद में आपको मसाज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम मसाज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको आपने लगा के छोड़ना है अच्छे से ड्राई होने के लिए। जब ये आपका 70-80% ड्राई हो जाए, 7-8 मिनट में हो जाएगा, फैन के नीचे बैठेंगे हो जाएगा, धूप में बैठेंगे तो भी हो जाएगा, आजकल तो सब लोग धूप के नीचे ही बैठ रहे हैं, लेकिन प्लीज जब आप धूप के नीचे बैठ रहे हैं, जाके छत के ऊपर बैठ रहे हैं, तो सनस्क्रीन जरूर लगा लीजिए प्लीज, नहीं तो काली पड़ जाएगी, उसके बाद सोचेंगे आप क्या करें भैया सर्दियां हैं, मेरे तो यहाँ पे छत नहीं आती, नहीं तो मैं तो धूप में ही बैठी रहूं, कसम से बोल रही हूँ। मैं दिल्ली वाली होके यहाँ पर छत नहीं मिलती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है, बट ठीक है, मैं तो 3-4 बजे नीचे गार्डन में चली जाती हूँ, वहां की धूप भी ले लेती हूँ, मुझे चल जाता है, धूप में बैठना चाहिए एक्चुअली, जरूरी होती है। अब हमने क्या करना है, हमने लास्ट में यूज किया है क्रीम, ये नाइट क्रीम है जो कि ऑलरेडी मैं बनाई हूं, आप यहां पर जाके देख सकते हैं, यहां पर मैंने आपको बताई है इस नाइट क्रीम को किस तरह से बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई रखी हुई है क्रीम्स, तो मैं और नहीं बनाई हूं, इसको आपको बनाना है। लगाना है आपको कब, आपको इसको रात को सोने से पहले लगाना है, नहीं तो किसी भी डीआईवाई के बाद में मॉइस्चराइजर जरूर करना चाहिए। देखिए किसी भी डीआईवाई को करने के बाद में हमारी स्किन जो होती है ना, वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, थोड़ी देर के लिए वो अपना मॉइस्चर खोती है, लेकिन वो रिटर्न बैक हो जाती है, कुछ सेकंड की बात होती है, मुश्किल से 1 मिनट में ही आपकी स्किन वापस से नॉर्मल अपनी स्किन टेक्सचर के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके बाद में लगानी है मसाजिंग क्रीम, ये क्रीम आप बना लीजिए। अगर ये नहीं बना सकते हैं, आपको अभी के अभी रेमेडी करनी है, बाकी सारा सामान है, लेकिन इसका सामान नहीं है, वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ डाला नहीं है, 2 से 3 चीजें, बहुत आराम से बन जाएगा, लेकिन इनकेस अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज करते हैं आप उसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद में आपने अच्छे से मसाज देनी है अपनी स्किन के ऊपर, आपको अपनी आंखों के आसपास जरूर मसाज करनी है, ताकि फाइन लाइंस और रिंकल्स के ऊपर बढ़िया से काम कर सके, ठीक है जी। तो आपको इतना सा ही करना है, दिखने में स्टेप आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन ये बनाने में बहुत इजी है, बहुत कम सामान में बना है, अगड़म शगड़म कुछ नहीं है, सब का सब आपके किचन में, आप मेरे को बस अपने किचन में ले चलो, बेसन आटा दही दाल चावल सब आपके वहीं पे मिल जाएगा, कुछ नहीं ढूंढना है। तो क्यों सोचने का है डीआईवाई करने से पहले कि कोई बहुत सारा सामान लगना है, बस इसको करिए और एंजॉय करिए। मेरी फैमिली का हिस्सा होने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, ताकि आगे के भी वीडियोस आप जरूर देख पाए। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, जहां पर मैं शेयर करूंगी फिर से आपके साथ एक बहुत बढ़िया सी रेमेडी। इनकेस अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप व्लॉगिंग पसंद करते हैं तो मेरा व्लॉग चैनल शुरू हो चुका है, जहां पर मैं व्लॉग्स अपने डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े डाल रही हूँ, तो वहां पर भी आप अपना प्यार मुझे जरूर दिखाइए। यहां पर आप जाके देख सकते हैं, चैनल का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, रेखा सिंह लाइव व्लॉग चैनल का नाम है, सर्च करेंगे मिल जाएगा, मेरी फोटो इसके ऊपर, मैं हूं, मेरे हस्बैंड है, जाके जरूर चेकआउट करिए, आपका प्यार वहां पर भी चाहिए। तो इसी तरह से अपना ख्याल रखिए, दिवाली है, जैसे लाइटें चमका रहे हैं अपनी स्किन को भी उसी तरह से चमकाइए। ये जो आपको 4 वीडियोस दिख रहे हैं ना, ये मेरी प्लेलिस्ट है, बेस्ट रेमेडीज हैं, इनमें जाके देखिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियोस को चेकआउट जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।